खरगोन जिले के टांडा बड़ौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आधुनिक लैब की स्वीकृति हुई है, लेकिन इस लैब निर्माण को लेकर जगह का चयन का मामला खटाई में पड़ता जा रहा है। सोमवार को गांव के कुछ जागरूक ग्रामीण सीएमएचओ कार्यालय पहुंचे और टांडा बड़ौर क्षेत्र में स्वीकृत हुई लैब को अनियंत्र स्थापित किए जाने की प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज कराई। शिकायती आवेदन सौंपते हुए बताया कि उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर करीब 40 से 50 गांव के लोग स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। वर्तमान में इस लैब की महती आवश्यकता थी, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट के रूप में पूरी होने जा रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि उक्त लैब को राजनीतिक दबाव के चलते गांव में निर्माण न कराते हुए ग्राम से अनियंत्र स्थापित करने का प्रयास रहे हैं, जो गांव के साथ छल के समान होगा। ग्रामीणों ने मांग की है कि राजनीतिक स्वार्थ न देखते हुए जनहित को देखें और उक्त लैब जहां स्वीकृत हुई है वहीं निर्माण कराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। ग्राम टांडा बड़ौर से आए हैं, शासकीय हॉस्पिटल के संबंध में आए थे। शासकीय हॉस्पिटल में हाई प्रोफाइल लैब एवं एक्सरे मशीन के लैब टेक्निशियन के बारे में सर से चर्चा करने आए। हमें विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली कि हमारे यहाँ जो लैब है और एक्सरे मशीन है उसे लून शिफ्ट किया जा रहा है। इस संबंध में हम सभी ग्रामीण मिलकर सर को आवेदन देके सही जानकारी लेने आए थे। ग्राम टांडा बड़ौर में स्वीकृत है, मशीन भी ग्राम टांडा बड़ौर हॉस्पिटल में ही फिट है और लैब की भी पूरी भूमि पूजन वगैरह हो चुका है। अब ये उनके बारे में जानकारी नहीं है कि वहाँ क्या कैसे बना रहे और कैसे जा रहे हैं। बाकी हमें जानकारी मिली है कि यहाँ से ये चीज बड़ौर हॉस्पिटल की जो सुविधा है उन हॉस्पिटल में शिफ्ट की जा रही है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारे गांव के लिए जो सुविधा है ये और जिस गांव के लिए आवंटित हुई है उस सुविधा का उपयोग इस गांव क्षेत्र की जनता ही उपयोग मिले। क्या नाम है आपका? दिनेश गुप्ता। टांडा बड़ौर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा भोपाल से हाई प्रोफाइल लैब का निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस स्वीकृति हेतु हमें अज्ञात सूत्रों के द्वारा प्राप्त हुआ ग्रामवासियों को तो ये बताया गया है कि ये अन्यत्र कुछ नेतागणों के माध्यम से अन्य जगह शिफ्ट किया जा रहा है। हमारे गांव के आसपास 40 से 50 गांव लगे हैं और डॉक्टर और डिलीवरी की नर्सों के द्वारा डिलीवरी भी प्रतिरोज होती है। इस निमित्तता को रखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा हमारे स्वर्गीय छगन लाल जी कुमरावत द्वारा 2 एकड़ जमीन दान में देकर दी गई है, लेकिन उस जमीन पे व्यवस्था होने के बावजूद भी ये बनना चाहिए वहां पर अन्य जगह जा रहा है। तो ग्रामवासी चाहते हैं कि हमारे ग्राम के आसपास आदिवासी बाहुल्य होने के कारण हमारे गांव पर ये स्वास्थ्य विभाग का जो लैब हाई प्रोफाइल लैब आई है हमारे गांव में ही निर्मित होना चाहिए और हमारे गांव को इसके लाभ मिलना चाहिए। तो हम आगे चलकर चक्का जाम करेंगे। चंपालाल कुमरावत, टांडा बड़ौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।